छत्तीसगढ़ में किसानों को डिफॉल्टर होने का भय सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान कर बैंकों को रुपए नहीं दिया है और बैंक के अधिकारी किसानों को कर्ज पटाने की बात कह रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि खरीफ की खेती शुरू होने वाली है पर किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है, लिहाजा किसान एक बार फिर खाद्य बीज के लिए साहूकार के चुंगलों में फंसने को मजबूर हो रहे हैं। माफी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने जो घोषणा किए थे वो ऋण माफी का राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी तक नहीं आया है। इसमें जो किसान है, पूरे प्रदेश के किसान दोहरी नीति पे फंस रहे हैं। पहला नीति तो यह है कि जब जिस परिवेश में जिला सहकारी बैंक के परिवेश में 18,000 रुपए एकड़ के तहत ऋण माफी का मतलब कहा गया था, वो राशि अभी तक नहीं आया है। अगर वो राशि संयोजन हो जाता है, मतलब जनरली अपन नवंबर दिसंबर में राशि को संयोजन करते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के नजर में हम डिफॉल्टर नहीं होते। साल भर बीत जाने के बाद, मार्च एंडिंग हो जाने के बाद, अभी डिफॉल्टर के पोजीशन में आ